मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कयामत का मंजर कैसा होगा? वो कयामत जिसका आना तय है, जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा? कयामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हमें उस खौफनाक दिन की तैयारी करने की तौफीक दे। एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी, पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे, ताजर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे, माएँ बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी, थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को लौटेंगे, बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा, वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होंगे, पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोचकर ऊंग रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आके ड्यूटी देगा। रात को किसी घर में मेहंदी लग रही होगी कि सुबह बारात आनी है और किसी घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पे रात को दुकान मुकम्मल हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा। किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी और कयामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसी ही एक शाम आएगी, होले होले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पे छा जाएगी। फिर सूरज इसी तरह हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से नकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कव्वे आंखें खोलेंगे, मुर्गे अजान देंगे, बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कुकू होगी, चिड़ियों की चहचहाट होगी, झरने इसी तरह अपने पानी के साथ बह रहे होंगे, दरियाओं में तुगियानी हस्बे दस्तूर होगी, समंदर में मौजों की अटकेलियां हस्बे दस्तूर होंगी, सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और कामकाज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे, ड्राइवर अपनी गाड़ियां ठीक कर रहे होंगे, माएं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी, कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी तो कोई डबल रोटी पे मक्खन लगा रही होगी और कोई पराठा तवे पे डालने जा रही होगी। हाली ने हल खेत में डाल दिया है, दुकानदार ने दुकान खोल ली है, ग्राहक ने आके कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा, 10 मीटर कपड़ा तय पाया, उसने कपड़ा नापा और काटने के लिए कैंची डाली। इधर दुकानदार कैंची चला रहा है, उधर ग्राहक पैसे गिन रहा है और इधर काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीज बिखेरने को है। उधर दुल्हन के लिए उसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं, इधर बाराती आए बैठे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी, कब बाजा बजेगा और कब दूल्हा आएगा। ऐसा ही एक आम दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी होंगे, हस्बे दस्तूर दुनियावी मामलात भी जारी होंगे और अचानक से एक हैबतनाक आवाज आएगी। वो आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर दुकानदार के हाथ से कैंची गिर जाएगी, गाहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदियां गिर जाएंगी, दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी, दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी, लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद ना होगी, तो लड़के वालों को घोड़े पे चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा, मरासियों को अपने ढोल भूल जाएंगे, सियासतदानों को अपनी सियासत याद ना होगी, हवलदार को अपना पहरा भूल जाएगा। वो खौफनाक आवाज पूरे जहां का कलेजा चीर देगी। इंसान का कलेजा तो है ही छोटा सा, कुरान के मुताबिक वो आवाज इतनी हैबतनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर जमीन और आसमान के कलेजे फट जाएंगे, पहाड़ों के बहते हुए चश्मे खुश्क हो जाएंगे, माओं के हाथों से वो निवाले गिर जाएंगे जो वो अपने बच्चों को खिला रही होंगी। वो माँ जो चंद लम्हे पहले अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिला रही थी और मेरा चांद कहकर अपने बच्चे का माथा और गाल चूम रही थी, वही माँ अपने बच्चे को एक टोकरी की तरह हवा में उछाल देगी कि ये मरता है तो मरे, मेरी जान बच जाए। लेकिन आज बचे तो कौन बचे अल्लाह के सिवा? आज हर शख्स पर इतना खौफ तारी है कि उसे बच्चों की पुकार नहीं सुनाई दे रही। आज धरती पर मुसलमान कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि कयामत सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमान कोई नहीं होगा। इस दिन इंसान अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की ईंटों को उधड़ता देखेगा, अपने तख्त के पुरजे पुरजे होता देखेगा, अपने असलहे को बिखरता देखेगा, अपनी ताकत को टूटता देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ता देखेगा। सूरत ये आएगा तू भाग ना सकेगा, आज भाग सकते हो तो भाग के दिखाओ, आज छुप सकते हो तो छुप के दिखाओ, आज नहीं भाग सकते, आज मौत का दिन है, आज कायनात की हर चीज की मौत है, आज मौत ने सबको चक्की में डालकर पीस के रख दिया, आज सातों आसमानों की मौत है, आज फरिश्ते भी मौत का जायका चख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला की आवाज आएगी, जिब्राइल से कहो मर जाए, मिकाइल से कहो मर जाए,
ये सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाएगा और कहेगा, या अल्लाह क्या जिब्राइल भी मर जाए, क्या मीकाईल भी मर जाए, या अल्लाह इनको तो बचाएं, इनको तो बख्श दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, खामोश, आज मेरे अर्श के नीचे कोई नहीं बच सकता। ये देखो, कोई आंख है तो देखे अल्लाह की बेनियाजी को। आज जिब्रील भी तड़प कर मर गया, आज मीकाईल भी चकरा कर गिर गया। आओ चश्मे तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देख लो, आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरते देखो। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक जलाल है। ऊपर अल्लाह है और नीचे इसराइल की टांगे बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं। और अल्लाह शान बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी? इसराइल कहेगा, या अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा अब्द इसराइल बाकी। तो अल्लाह की हैबत नाक आवाज आएगी कि तू भी मर जा मेरे इसी अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर, कोई इसराइल को मरता देखे, मगर कोई है नहीं जो देखे। फिर सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह कहेगा, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए। लेकिन उस दिन कोई आवाज नहीं होगी, उस दिन तन्हो तन्हा अल्लाह की जात बाकी होगी जो कि वहदउला शरीक है। मेरे भाइयों, ये है वो दिन जिसका आना तय है, ये है वो दिन जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ बाकी ना होगा, इस दिन पूरा जहां टूट चुका होगा। मेरे भाइयों, इस टूट जाने वाले जहां से इबरत लो, अल्लाह के वास्ते इसका हिर्स छोड़ दो, इसके दीवाने ना बनो। इसके दीवाने के लिए जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। साए के पीछे भागने वाले के लिए दीवार से टकराने के अलावा कुछ नहीं होता। रेत पे पानी तलाश करने वाले के लिए सिवाय प्यास के और कुछ नहीं होता। इसकी इज्जत से धोखा खाने वाले के लिए सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं है। इसकी जवानी पर इतराने वाले के लिए बुढ़ापे की खौफनाक आहें हैं, सिसकियां हैं। उस दिन का इंतजार करो जब बुढ़ापा इसकी जवानी को खा जाएगा। उस दिन का इंतजार करो जब इसकी औलाद भी कहेगी कि अम्मा मरती ही नहीं है, अब्बा मरता ही नहीं। दुआ करो अल्लाह वालिद साहब के लिए आसानी पैदा कर दे, यानी दूसरे लफ्जों में मौत दे दे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहां है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहां है, तमाशा नहीं है।